जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। परम सत्कारयोग अज दे इस समागम दे सरप्रस्त साडे रहिवर संत बाबा नरेंद्र दास जी और मंच ते बैठी हुई समूह टीम, अज असी सारे और देश विदेश तो आए हुए भैनों अते भराओ, अज असी इस देश दे उस महान क्रांतिकारी रहिवर सतगुरु रविदास महाराज जी का 646वां जन्मदिन मना रहे हैं। ना सिर्फ इत्थे ही बल्कि दुनिया के खिते दे जिथे भी किते रविदास महाराज के नाम लेवा बैठे ने, इन्हां दिनां नूं बड़ा चाव नाल मनाउणे है। ओ रहिवर जिन्होंने इस कलयुगी धरती ते मनुवादी धरती ते 646 साल पहला जन्म लैके इस धरती के उत्ते बेगमपुरा की गल शुरू की, इत्थे ही बस नहीं, उन्होंने ना सिर्फ एक विशेष जाति चबार जाति की नहीं बल्कि मैं कहांगा समुचे उन्होंने ताड़े गरीब गुलाम सब का भला मनण वाले सरबत दे भले की गल करते हुए उन्होंने ऐसा अपने वाणी च प्रणाम किया, ऐसा चाहू राज मैं जहां मिले सबन को वन छोट बड़े स्तंभ से रविदास रहे सुपर सन। उन्होंने किसी एक जाति की गल नहीं की, पर अज मैं देख रहा सी अज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी का भी संदेश आया उहदे च ही लफ्ज लिखे हुए थी, पर अफसोस कि 75 साल की आजादी तो बाद इस गुरुदास महाराज जी के बचना ना बेगमपुरा की गल हुई है ना इस जरा शब्द गुरु ग्रंथ साहब के भी अंकित किया गया है, उन्हां दी बाणी उहदे ते अजे तक किसी सरकार ने अमल नहीं किया। असी मनाने जन्मदिन मनाने हैं, भंगड़े भी पाने हैं, नचते भी टपते हैं, दो दिन खुशियां मनाने हैं, उहदे बार भुल जाने कि बेगमपुरे का संदेश जिहड़ा रविदास महाराज जी सानू दे के गए हैं, क्या असी उहदे ते अमल करते हैं या सभना का भला करन वाले रविदास महाराज जी तो असी सुनते जरूर हैं पर उहदे ते क्या अमल करते हैं, एक बड़ी चिंता का विषय। उन्होंने संघर्ष किया कि इत्थे जो मनुवादी सोच घर घर के सानू मंदिरां ते गुरुद्वारां च चढ़न की इजाजत नहीं सी, साडा कोई नाम सी ना नहीं सी चबार जाति नाल जाणिया जांदा सी, जे सानू नाम दिता है तां रविदास महाराज जी ने दिता सानू रमदासिया कहण लग गए ने, पर अफसोस मुल्क आजाद कहा जाता है, मुल्क आजाद है 75 साल हो गए अज ये आजाद। इस मुल्क च भी मैं कह सकदा कि करोड़ों ऐसे लोग ने जिन्होंने आजादी का अज तक रस नहीं मिल सकिया, ना उन्होंने बच्चे स्कूलों गए ने, ना डॉक्टर मिले ने, ना कोई अफसर बने ने, जे उस नेपरे चाड़िया बेगमपुरा की गल की तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेदकर ने की, संविधान के उन्होंने इक्वैलिटी फर्नलिटी और बराबरता का हक दिता सानू। इत्थे ही बस नहीं, बाबू काशी राम ने भी इस हिंदुस्तान च सुती कौम जगाने की कोशिश की थी, पर अफसोस असी नौ जरूर लेने हैं, बाणी पढ़ रहे हैं पर असी अमल नहीं करते, बिना संघर्ष किए इस मुल्क आजादी नहीं मिली और बिना संघर्ष किए थोड़ी दरिद्रता ना बराबर की दूर नहीं हो सकती। इसलिए सच्चे सिपाही हो, मैं अज प्राइम मिनिस्टर के संदेश के उत्ते भी ये कहना चाहना कि मोदी साहब योगी साहब भी आए हो, संदेश तुसीं दिता है पर जरूरत है कि उस पर अमल करके इस बराबरी छुआछात खत्म करके किया जाए, जिहड़ियां तुसीं इत्थे असी धन्यवादी हैं जो कुछ भी किया योगी जी ने शुरुआत की,
अज जरूर तो साडा मंदिर सोहना बनना चाहिए है। जिस तरह हरिमंदर साहब बनया उहदे गलियारे बनने चाहिए है। इत्थे इस पता है साडा यह भी अकाल तख्त है साडा, जे सिखा दा तख्त हरिमंदर साहब है तो साडा अकाल तख्त यह बनारस की धरती है, जिथे श्री गोवर्धनपुर जिथे रविदास महाराज जी ने जन्म लिया है। अज उत्थे वाल भी जोगी जी, मैं उन्होंने परसनली कहा है, मेरे नाल मैंबर पार्लीमेंट रहे ने, मैं मोदी जी को भी बेनती करांगा, संदेश तुसी देता बेगपुरा की गल की है, ये करके दिखाओ। और सानू भी जरूरत है, जिहड़ियां कौमां संघर्ष करदियां ने वह कुछ लै पैंदियां, बिना लड़िया बिना रोया मां दुध नहीं दिंदी, ये तो सरकारां ने तुसी सोओ ना। अज मैनू अफसोस है ना साडे को अंबेदकर साहब ने ना अज साडे को काशी राम है, इसलिए तुसी जाको। मैं संतां नू बेनती करांगा, नरेंद्र दास जी नू कि सारे संत बाद लै के दुनिया के संतां नू लै के दुनिया के सारे लोगों नू लै के तुसी अगे आओ। और ये जिहड़ी डोली हुई साडी जनता है, जिहड़ी सुती भी जागदी जनता है, ना लैंदी है रविदास महाराज दा पर रेवोल्यूशन नहीं लियांदे जिन्ना तकर बेगपुरा बन इस मुल्क च नहीं बना सकते। तुहानू किसी ने कोई हक नहीं दिता, हक खोहे जाते ने, लड़के ले जाते ने, मिन्नता ना नहीं मिलते। मैं तुहानू मुबारकबाद दिना इस मौके दे उत्ते, आओ सब बाबा संत रंजदास जी की सरप्रस्ती हेठ आओ कट्ठे होके इस मुल्क दे विच बेगपुरा बनाइए। थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरदेव, धन गुरदेव।